स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट दो लेक्चर्स में मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स का कंसेप्ट बता चुका हूं और कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो भी बता चुका हूं। होपफुली दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी को डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं और कई बार एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। सब एक ही बात है तो ध्यान से देखिएगा। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स को ऑनलाइन देखिए सो दैट इट विल सपोर्ट मी एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की। अब आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना सीख चुके हैं, कंटिन्यूटी चेक करना सीख चुके हैं। अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी भी समझ में आ गई तो आप एनालिटिसिटी का कंसेप्ट आज समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पार्ट से। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, आपको पता है एफ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है, देन इट इज सेट टू बी डिफरेंशियबल और डेरिवेबल एट पॉइंट जेड नोट। तो पॉइंट क्या दे रखा है, तो डिफरेंशियबल और डेरिवेबल एट पॉइंट जेड नोट इफ एंड ओनली इफ एफ डैश जेड जीरो एग्जिस्ट। ये मेन बात है, पहले यहां तक पढ़िए फिर इसको पढ़ेंगे। तो एफ डैश जेड जीरो का मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो डेरिवेबल है, नहीं तो डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, अब आपको पहले एफ डैश जेड जीरो का फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये ध्यान रखिएगा, जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है और जेड नोट वो पॉइंट है जहां पे आप डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो। तो आपको ये फंक्शन जो गिवन है इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है ऑन द गिवन लिमिट्स, दैट इज जेड अप्रोचेस टू जेड नोट। तो आपको पता है किसी भी फंक्शन की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं ऑन द गिवन लिमिट, आप उस लिमिट के हर पॉसिबल पाथ को ट्रेस करके देखते हो और चेक करते हो कि फंक्शन की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो इफ इट इज यूनिक फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ ऑफ जेड अप्रोचेस टू जेड नोट तो हम ये कहेंगे ये एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल या डेरिवेबल होगा। अब मुझे एफ जेड पे लिमिट चेक नहीं करनी, एफ डैश जेड नोट पे लिमिट चेक करनी है। तो एफ डैश जेड नोट क्या होता है, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड जीरो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है along every possible path और वो वैल्यू यूनिक और सिंगल वैल्यूड आनी चाहिए। साथ ही साथ आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी तो आप कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मेरा जो एफ जेड है वो डिफरेंशियबल होता है। क्लियर हो गया, तो हम एफ डैश जेड नोट की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ जेड जो होगा वो डिफरेंशियबल और डेरिवेबल होगा। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशियबल फंक्शंस एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट टू। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा किसी भी पॉइंट पे तो वो हमेशा कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे, तो ध्यान रखिएगा। बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देखिए इन दोनों पॉइंट्स के फायदे क्या है। तो अगर आपने किसी फंक्शन पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपने सिर्फ कंटिन्यूटी चेक की है तो आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो आपको इसको पहले क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है। कंटिन्यूअस चेक करना मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, होपफुली अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी आती होगी, कोई डाउट नहीं होगा वहां पे। बट नॉट डिफरेंशियबल एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो आपको चेक करना है जेड इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं है बट कंटिन्यूअस जरूर है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास में ईयर 2012 में आ चुका है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एफ जेड आपको पता है जेड बार है, आपको जेड बार की वैल्यू पता है दैट इज जेड कंजुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो काम करने हैं, एक चेक करनी है कंटिन्यूटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो और एक चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूटी में मैं एनएफ कंटेंट करा चुका हूं तो होपफुली कंटिन्यूस आप खुद चेक कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर का रेफरेंस दे दिया, 25, 26 और 27 रेफरेंस दे दिया, आप वहां से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे और इसकी ये कंटिन्यूस मिलेगा भी आपको। ठीक है, वो आपका काम है।
ठीक है। तो एक तो आप कंटिन्यूटी लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा इजी तरीका भी है मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो एफ जेड जो है वो है एक्स माइनस आइटा वाई, जो भी एफ जेड है उसमें एक्स और वाई की होल पावर्स है, तो इट इज ए पोलिनोमियल। तो जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो उसी का रेफरेंस मैंने दिया, सिंस एफ जेड इज ए पोलिनोमियल इन द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई सो इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं और आप चेक के भी करके दिखा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, बट आपको डिफरेंशियबिलिटी तो चेक ही करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी को आज मैं चेक करके समझा रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी पार्ट। नाउ डिफरेंशियबिलिटी एट जेड इक्वल टू जीरो आपको चेक करनी है, तो आपको पता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आप किसको उठाते हैं, एफ डैश जेड जीरो को। तो एफ डैश जेड जीरो का फॉर्मुला आपको मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में, तो लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। इस फॉर्मूले का नाम आपको शायद याद हो, आपने ट्वेल्थ क्लास में किया था फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, तो आपने ट्वेल्थ क्लास में इसको यूज किया हुआ। चलो अब ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में, तो हमें चेक करना है एफ जेड डिफरेंशियबल है कि नहीं। तो मैंने बोला था या तो एफ जेड को डिफरेंशियबल चेक कर लो या इस फंक्शन को एग्जिस्ट चेक कर लो, अगर एग्जिस्ट चेक करता है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ जेड जो होगा वो डिफरेंशियबल होगा। तो मैंने पॉइंट यहां मुझे क्या दे रखा है, जीरो, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो एफ जेड की वैल्यू मुझे पता है जेड बार एफ जीरो, अगर आप एफ जीरो निकालेंगे तो जेड की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा अपॉन जेड माइनस जीरो। अब जेड बार और जेड की वैल्यू पुट करो, नोमिनेटर में आएगा एक्स माइनस आइटा वाई और डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स प्लस आइटा वाई। तो होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद मुझे पता है इस फंक्शन की मुझे एग्जिस्टेंस चेक करनी है, मतलब इस फंक्शन पे मैं आप अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ आके देखूंगा और चेक करूंगा कि ये फंक्शन सेम रहता है कि नहीं। अगर सेम रहेगा तो एग्जिस्ट होगा, सेम नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो करें। तो फर्स्ट केस क्या होता है आपको पता है, नाउ अलोंग वाई एक्सिस, तो मैं जो भी आपका फंक्शन बचा एक्स माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई को पहले मैं एक्स अप्रोच टू जीरो जाऊंगा फिर वाई अप्रोच टू जीरो जाऊंगा। तो पुट कीजिए एक्स की जगह जीरो, तो ये बचा जीरो माइनस आयोटा वाई अपॉन जीरो प्लस आयोटा वाई। ऑब्वियसली आप एक्स को जीरो पुट कर चुके हैं तो लिमिट किसकी बचेगी, वाई की। ठीक है यहां तक। इसके बाद देखिए जितना कटता है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे आयोटा से आयोटा कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा आपका माइनस वन। तो आपकी अलोंग वाई एक्सिस वैल्यू आई फंक्शन की दैट इज माइनस वन। नाउ सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस में पहले वाई जीरो पुट करते हैं फिर एक्स जीरो पुट करते हैं, तो वैल्यू वाई जीरो पुट कीजिए एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स प्लस जीरो। ऑब्वियसली एक्स बचा तो लिमिट भी किसकी बचेगी, एक्स की। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक्स से एक्स कटा, तो एक्स से एक्स कटा तो वन बाय वन बचा, वन बाय वन आपको पता क्या होता है, वन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई वन। अगर आप ध्यान से देखें आपके इस फंक्शन की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है इट इज नॉट यूनिक अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ। सो द फंक्शन एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ ऑफ जेड अप्रोच टू जीरो सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब जो एफ जेड होगा, सो एफ जेड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में, होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब जो एफ जेड फंक्शन है खुद वो डिफरेंशियबल नहीं होगा एट जेड इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो आप डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो जो फंक्शन होगा वो हमेशा डिफरेंशियबल होगा, बट अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एफ जेड जो होगा वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो आप सिंपल सा तरीका है, आपको अब एफ जेड पे लिमिट नहीं लगानी, आपको इस वैल्यू पे लिमिट लगानी। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली और फिर उस पे लिमिट लगाई अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो जो गिवन फंक्शन था
एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार दैट इज नॉट डिफरेंशियबल, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आप इससे अगर छोटे मोटे इसमें डाउट बचे होंगे तो इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29, शो दैट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशियबल ओनली एट ओरिजन। तो आपको चेक करना है कि आपका जो गिवन फंक्शन है मोड जेड का स्क्वायर वो सिर्फ ओरिजन पे डिफरेंशियबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशियबल नहीं है। और सेम क्वेश्चन अलग तरीके से भी आता है, प्रूव दैट जेड इंटू जेड बार, अगर आप देखेंगे जेड इंटू जेड बार उतना ही आएगा जितना मोड जेड स्क्वायर आएगा, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो ये चेक करना है, बट नो वेयर डिफरेंशियबल एक्सेप्ट एंड जेड इज इक्वल टू जीरो। तो आपको चेक करना है कि सिर्फ जीरो को छोड़ के और कहीं डिफरेंशियबल ये नहीं है, बट कंटिन्यूस सब जगह है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पुणे में ईयर 2018 और 2016 में पूछा जा चुका है, और पीटीयू जलंधर में दिसंबर 2016 में पूछा जा चुका है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं दोनों फंक्शन लेके चल रहा हूं, दैट इज मोड जेड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड नॉट, मैं दिखाने के लिए कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आपको पता मोड जेड क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड इंटू जेड बार क्या होता है, जेड होता है एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार होता है एक्स माइनस आइटा वाई, प्रोडक्ट करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है आइटा स्क्वायर की वजह से एक माइनस एक्स्ट्रा आता है, तो यहाँ ओवरऑल प्लस आ जाएगा। तो आपको होपफुली इसकी वैल्यू में कोई डाउट नहीं होगा, मैं करा चुका हूं काफी बार इस बात को। ठीक है, अब तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हैं, तो कंटिन्यूस चेक कर मैं लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं, होपफुली वो आता होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर का आपको रेफरेंस दे दिया, क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया था, आप देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बताया है कि आप देख सकते हैं आपका एफ जेड जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इन द होल पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप डायरेक्ट भी इसको कंटिन्यूस बोल सकते हैं। तो हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं, दिक्कत जब आती है जब डिनोमिनेटर में कोई मेरे पास पड़ा हो, तो यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं पड़ा तो ये हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात, होपफुली यहां कोई डाउट नहीं होगा। तो आप चाहे तो गिवन फंक्शन को आप कंटिन्यूस खुद चेक कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, वो आपकी मर्जी है, ध्यान रखिएगा। अब हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन, पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी ओरिजिन पे चेक करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं प्रूव करूंगा ये दोनों फंक्शन जो है ये किसी और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिलहाल मैं ओरिजिन पे पहले चेक करके दिखा रहा हूं क्योंकि हम ये कंसेप्ट कर चुके हैं। तो आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब होता है एफ डैश जेड जीरो को एग्जिस्ट चेक करना। तो एफ डैश जेड जीरो का फॉर्मूला होता है लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां है जेड नोट की वैल्यू जीरो, तो जीरो पुट करो, ये आएगा एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो, सेम बना। अब आपको पता है आपके पास एफ जेड की दो वैल्यू है, आप दोनों में से कोई भी लेके चलेंगे आंसर सेम आएगा, तो आप एफ जेड की जगह जेड इंटू जेड बार लेके चल सकते हैं और जीरो पुट करेंगे यहां पे, तो ऑब्वियसली इट विल बी जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। और दूसरा तरीका है लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो, आप एफ जेड की वैल्यू मोड जेड का स्क्वायर माइनस एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो आएगी अपॉन जेड माइनस जीरो। तो ये थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूं, ये आप खुद भी कर पाएंगे, ये आसान सा है। ठीक है, ओके, इसलिए मैं ये नहीं करा रहा, ये वाला पार्ट करा रहा हूं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट जेड अप्रोच टू जीरो, आपको पता मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां जीरो ही पड़ा था, अपॉन जेड क्या होता है एक्स प्लस आइटा वाई, तो आपके पास आ गए एफ डैश जीरो। तो अब आपको इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस चेक करनी है। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे, अगर इसकी एग्जिस्टेंस चेक होती है तो मैं कह सकता हूं मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल है एट ओरिजिन। ठीक है, करें स्टार्ट। नाउ अलोंग, आपको पता क्या करते हैं, सबसे पहले वाई एक्सिस करें, तो लिमिट आपको पता है पहले एक्स जीरो पुट करेंगे और y जीरो पुट करेंगे, और फंक्शन क्या है मेरा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई, करें पुट, पहले x जीरो पुट करो, आएगा जीरो प्लस वाई स्क्र अपॉन जीरो प्लस आयोटा वाई, ऑब्वियसली y बचा है तो लिमिट भी किसकी बचेगी, y की। अब चाहे तो एक y को y काट सकते हैं, तो ये बचा y अपॉन आयोटा और लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो। अब y की वैल्यू जीरो और पता है आपको, तो पुट करोगे तो जीरो बाई समथिंग इज जीरो, तो अलोंग y एक्सिस मेरे इस फंक्शन की वैल्यू आई है जीरो। चलो आगे करें। ठीक है, तो अलोंग y एक्सिस चेक कर चुके हो, नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, अलोंग x एक्सिस, तो पता है आपको अलोंग x एक्सिस चेक करने का मतलब क्या है,
पहले आप लिमिट पुट करेंगे वाई जीरो और फिर एक्स जीरो ऑफ द गिवन फंक्शन, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। करें पुट वाई की जगह जीरो तो ऑब्वियसली लिमिट बचेगी एक्स की, तो पुट करो तो एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो अपॉन एक्स प्लस जीरो। तो यहां एक्स से एक्स स्क्वेयर काट के एक्स बचा, तो ये बचा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू एक्स, एक्स अपॉन वन बचा, तो ऑब्वियसली जब लिमिट जीरो पुट करोगे तो ये आएगा जीरो। तो यस इट्स गुड कि अलोंग वाई एक्सिस भी वैल्यू जीरो आई और अलोंग एक्स एक्सिस भी वैल्यू जीरो आई, तो इसका मतलब अब तक मेरे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो आई विल कीप ऑन चेकिंग। तो अलोंग द लाइन आपको पता नेक्स्ट क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स करें, तो ऑब्वियसली अगर आप वाई की जगह एम एक्स पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में तो मेरे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा, तो लिमिट किसकी लिखेंगे एक्स की, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। क्लियर हो गया, तो वाई की जगह मैंने एम एक्स पुट कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, तो लिमिट बची एक्स की। उसके बाद आपको पता है एक्स स्क्वेयर न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा, तो वन प्लस एम स्क्वेयर अपॉन नीचे आएगा एक्स कॉमन वन प्लस आयोटा एम, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर हो गया यहां तक। अब अगर ध्यान से देखें जो ये एक्स है, एक्स स्क्वेयर को काट देगा एक एक्स बचेगा, तो मेरे पास बचा एक्स वन प्लस एम स्क्वेयर अपॉन वन प्लस आयोटा एम और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। क्लियर हो गया यहां तक। अब आपके पास एक्स बचा हुआ है तो इसलिए मैं लिमिट भी लिख रहा हूं, तो आप एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट करो तो ये आएगा जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये भी आया जीरो। तो इसका मतलब मेरा अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग दिस लाइन सब सेम आ रहा है। तो आप चाहे तो एक दो कर्व्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब उन पे भी चेक कर सकते हैं, उन पे भी सेम आएगा। तो इसका मतलब सो वैल्यू ऑफ लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई इज सेम अलोंग ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ जेड अप्रोचेस टू जीरो, सो द फंक्शन एफ जेड विल बी डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो मैंने बताया था अगर आप इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर लेते हो और वो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है एफ जेड वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल हम प्रूव कर चुके हैं ओरिजिन पे, होपफुली आगे होगी बात समय में कोई डाउट नहीं होगा। नाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एनीवेयर एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो। अब अपने जेड इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के सब जगह डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उसको कैसे चेक करेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। उसके लिए मैं एक थ्योरम यूज कर रहा हूं, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, सो दैट उस थ्योरम का यूज करके आपको कंपेरेटिवली काम आसान लगेगा। ठीक है, तब तक हम फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर चुके हैं एट ओरिजन, तो वो आप इसी तरीके से कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एनीवेयर और नोवेयर, तो ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, तो अगर आप ये थ्योरम और शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा डिफरेंशियबिलिटी एनीवेयर और नोवेयर चेक करना। तो थ्योरम क्या है, किसी फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी को हम डिफरेंशियबल कब बोलेंगे, फर्स्ट उसके चारों पार्शियल डेरिवेटिव। आपको पता है यू के भी दो सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, कर्ली यू बकर्ली एक्स कर्ली यू बकर्ली वाई, और वी के भी कर्ली वी बकर्ली एक्स कर्ली वी बकर्ली वाई। पहली बात तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए अगेन पिछले वाले लेक्चर की तरह नहीं करना, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए उनको सिर्फ ये चेक कर लो कि वो किसी एक्स और वाई के लिए इनफाइनाइट तो नहीं बन रहे। तो अगर वो हमेशा फाइनाइट होंगे, उनकी वैल्यू कभी इन्फिनिटी नहीं आएगी, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस काउंट होंगे। और सेकंड आप चेक कर लो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो आपको पता है आप सी आर इक्वेशंस का यूज एनालिटिसिटी चेक करने के लिए करते हैं, बट इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर पाएंगे सी आर इक्वेशंस का यूज करके। ठीक है, करें अब। नाउ
सबसे पहले आपको वैल्यू उठानी है एफ जेड की, तो आपको पता है इस क्वेश्चन में एफ जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यह है आपकी एफ जेड की वैल्यू। आपको पता है एफ जेड जो होता है वो यू प्लस आइटा वी होता है, तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, इधर रियल पार्ट है यू और इधर रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में है वी और राइट में आपको पता है इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो आपको पता है नेक्स्ट क्या करना है, यू और वी निकल चुके हैं, आपको चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, कड़ली पकड़ ली एक्स निकालना है, कड़ली पकड़ली वाई निकालना है, कड़ली वी पकड़ली एक्स निकालना है और कड़ली वी बाय कड़ली वाई निकालना है, ठीक है। तो करें, कड़ली पकड़ली एक्स आपको पता है टू एक्स आएगा, कड़ली पकड़ली वाई आपको पता है टू वाई आएगा, कड़ली वी पकड़ली एक्स भी जीरो आएगा, कड़ली वी पकड़ली वाई भी जीरो आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इन चारों सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी, हमेशा फाइनाइट रहेगी, सिंस द वैल्यूज ऑफ कर्ली बकर्ली एक्स, कर्ली यू बकर्ली वाई, कर्ली वी बाय कर्ली एक्स एंड कर्ली वी बकर्ली वाई आर फाइनाइट। तो मैंने बताया था अगर फाइनाइट होगा तो सो कंटिन्यूस, ठीक है, तो कंटिन्यूस हो गए, तो फर्स्ट कंडीशन मेरी फुलफिल होगी कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो हो चुका है, तो फर्स्ट कंडीशन मेरी फुलफिल हो चुकी है। अब मैं सेकंड चेक करूंगा सीआर इक्वेशंस को, तो आपको पता है कर्ली यू कर्ली एक्स की वैल्यू कितनी है, टू एक्स, बट वो इक्वल नहीं है कर्ली वी बाय कर्ली वाई के, आपको पता कर्ली यू कर्ली एक्स किसके बराबर होना चाहिए, कर्ली वी बाय कर्ली वाई के, तो यही कंडीशन फुलफिल नहीं है। दूसरी भी चेक कर लो, चलो कर्ली यू कर्ली वाई की वैल्यू है टू वाई और वो भी इक्वल नहीं है माइनस कर्ली वी बाय कर्ली एक्स के, सो सीआर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती तो हम उसको डिफरेंशियबल बोल देते, बट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये डिफरेंशियबल नहीं है, तो दोनों क्राइटेरिया यहां फुलफिल नहीं हो रहे, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल anywhere except at point z is equal to 0, ये हम चेक कर चुके हैं, ये आ गया समझ में, क्लियर हो गया, तो ये आ गया hence proved, तो ये काम था। तो मैंने इस क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के आपको दो तरीके बताए हैं, फर्स्ट अगर आपको किसी पॉइंट पे चेक करना हो तो आप एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नोट, आप इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर लें, यहां से डिफरेंशियबिलिटी चेक हो जाएगी, ये थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा हाथ दिखता है कि क्वेश्चन में कुछ किया है, और अगर आपको सब पॉइंट्स पे करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वेरी मेथड आप इस थ्योरम का यूज कर लें कि आपके चारों पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए, मतलब उनकी वैल्यू कभी इनफिनाइट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं है कहीं भी एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू जीरो, ये तो मैं चेक कर चुका था। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं, सर जब डिफरेंशियबल किसी भी पॉइंट पे नहीं है तो जीरो पे कैसे प्रूव हुआ इस तरीके से, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर जेड जीरो हो गया तो एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू भी जीरो पुट करोगे तो ये भी दोनों जीरो हो जाएंगे, तब आपकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये सीआर इक्वेशन सिर्फ ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रही है और किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये थ्योरम भी बता रही है कि जो मेरा गिवन फंक्शन एफ जेड वो डिफरेंशियबल नहीं है कहीं भी, बट अगर मैं ओरिजिन ले लूंगा तब ये भी डिफरेंशियबल हो जाएगा, तो ये पर्टिकुलर थ्योरम हर केस में यूज की जा सकती है एनीवेयर भी और जेड इज इक्वल टू जीरो पे भी, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो होना चाहिए कि सो दैट वो मुझे एग्जाम में मार्क्स दे सके, तो इसलिए मैंने अलोंग एवरी पाथ भी चेक करके दिखाया जीरो पे, क्लियर हो गया, होपफुली समय आ गया होगा, तो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, तो होपफुली अब आपको डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन चेक करनी आ चुकी होगी, अगर कोई स्टिल पॉइंट ऑफ डाउट है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क, अब फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं पूरे लेक्चर को सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट इन इट, ठीक है। तो मैंने बताया था डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी का क्या मतलब है, कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है और उसको डिफरेंशियबल एट पॉइंट जेड नोट कब कहा जाएगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट जेड नोट विल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब आपको पता है कि इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए,
अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फ्रॉम एवरी पॉसिबल पाथ। अब हमने बताया था चेकिंग के दौरान आप एफ डैश की वैल्यू पुट करते हो और उसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हो, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए एफ डैश की, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हर डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मैंने इसकी एडवांटेज भी आपको बताई थी। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल नंबर 28। तो क्वेश्चन था मेरे पास एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, आपको कंटिन्यूअस चेक करना है और डिफरेंशियबल चेक करना है जेड इज इक्वल टू जीरो पे। तो मैंने सबसे पहले एफ जेड की वैल्यू ली, दैट इज जेड बार, और उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करनी आती है। लास्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं, होपफुली आप उस सिमिलर तरीके से चेक कर पाएंगे। या मैंने दूसरा तरीका बताया कि आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि एफ जेड जो है वो एक पॉलिनोमियल है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगी। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, नो इश्यूज अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद हमने चेक की थी डिफरेंशियबिलिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने बताया था डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है, आपको एफ डैश की वैल्यू चेक करनी है एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती इस पॉइंट पे। तो एफ डैश को डायरेक्ट नहीं लेते, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो जेड नॉट यहां जीरो था, तो जीरो जब वैल्यू पुट की तो ये आ गया एफ डैश जीरो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। एफ जेड की वैल्यू पुट की, जेड की वैल्यू पुट की, तो ये आ गया आपका फंक्शन। अब मुझे इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, अगर वो एग्जिस्टेंस प्रूव होगी तो मैं कह सकता हूं मेरा जो एफ जेड है फंक्शन वो डिफरेंशियबल है। तो स्टार्ट करें आप, आपको पता है एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में पहले एक्स जीरो पुट करते हैं फिर वाई जीरो पुट करते हैं, जब सिंप्लीफाई किया ये आया माइनस वन, ठीक है। नाउ अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पहले वाई जीरो पुट करते हैं फिर एक्स जीरो पुट करते हैं, सिंप्लीफाई किया आया वन। पहले दो पाथ लिए, उन्हीं पे वैल्यू सेम नहीं है तो ऑब्वियसली आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं जो ये फंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक नहीं है। तो अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एफ जेड कभी डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 29। इसमें मेरे पास फंक्शन है जेड मोड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड डैश, आपको इसको कंटिन्यूस चेक करना है और डिफरेंशियबल चेक करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आपको पता है दोनों फंक्शन सिमिलर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फिर वही तरीका, या तो आप लास्ट लेक्चर की तरह कंटिन्यूस चेक करो या फिर आप डायरेक्ट बोल लो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है मुझे, अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां हमें डिफरेंशियबिलिटी हर पॉइंट पे चेक करनी है, सिर्फ जीरो पे ऐसा आएगी बाकी पे नो आएगी। तो पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी जीरो पे चेक कर रहा हूं, तो नाउ टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजन। तो आपको पता किसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं आप, एफ डैश जेड नोट की। तो मैंने जेड नोट की वैल्यू जीरो पुट की, यह आया आपका फंक्शन। अब आपको फंक्शन की वैल्यू आप जेड इंटू जेड बार रख सकते हैं और या मोड जेड स्क्वायर रख सकते हैं, दोनों आपके क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैंने ये पुट किया, ये आसान था तो आप खुद भी कर पाएंगे, मैंने ये पुट किया। तो मैंने ये कैरी फॉरवर्ड किया, तो आपको पता मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे जेड था एक्स प्लस एटा वाई। अब आपको इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, एग्जिस्टेंस चेक करने का मतलब अलोंग वाई एक्सिस जाके देखेंगे। तो पहले एक्स जीरो पुट किया फिर वाई जीरो पुट किया, या जीरो। उसके बाद अलोंग एक्स एक्सिस जाके देखेंगे, तो पहले वाई जीरो पुट किया फिर एक्स जीरो पुट किया, फिर भी आया जीरो, दैट्स गुड कि अब तक सेम आ रहा है। उसके बाद अलोंग द लाइन वाई इज इक्वल टू एमएक्स जाके देखा, उसको सिंप्लीफाई किया तब भी आया जीरो। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हर पाथ के अलोंग सेम है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ जेड जो होगा वो डिफरेंशियबल होगा ओरिजन पे। तो ओरिजिन पे हम चेक कर चुके हैं, अब मुझे बाकी सब पॉइंट्स पे चेक करना है। अब बाकी सब पॉइंट्स को अगर इसी मेथड से करके देखोगे तो बहुत लेंथी पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है और समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने एक थ्योरम यूज किया, दैट इज थ्योरम टू, टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एनीवेयर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करना हो तो आप ये इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। ये थ्योरम काफी आसान है और ये आपकी एज ए शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो अगर कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे हो, बट अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आप ये तरीका जरूर यूज करें। तो नाउ टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एनीवेयर थ्योरम टू क्या बताया मैंने, अगर एफ जेड है यू प्लस एटा वी तो इसके चार सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा कंटिन्यूअस होने चाहिए। फर्स्ट बात ये, मतलब उनकी वैल्यू कभी भी इनफिनाइट नहीं आनी चाहिए। सेकंड बात, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बात होल्ड करती है तो हमेशा आप उसको बोल सकते हो वो डिफरेंशियबल है एट एवरी पॉइंट। तो मैंने थ्योरम अप्लाई करने के लिए एफ जेड उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहां से यू और वी निकाले, चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। तो आपको पता है चारों पार्शियल डेरिवेटिव है कभी भी इनफिनाइट नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, तो सारे के सारे चारों पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या था, सीआर इक्वेशन, सीआर इक्वेशन आपको पता है यू का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स और वी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वाई सेम होना चाहिए, यही सेम नहीं है तो सीआर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड। जैसे ही सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं बोल सकता हूं सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एनीवेयर। बट अगर ध्यान से देखें, अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी एक्सेप्ट एट पॉइंट जेड जीरो। तो जेड इज इक्वल टू जीरो हम चेक भी कर चुके हैं अलग से, नहीं तो इससे भी पता लग रहा है। तो आप दोनों तरीकों से पता कर सकते हैं।
बट अगर आपको किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कहा जाए तो आप इस तरीके से कीजिए, तो दैट विल बी गुड फॉर योर एग्जाम। अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी हर पॉइंट पे चेक करनी है, या आप कहीं स्टक हो गए, या कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप इस थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस थ्योरम की मैंने हेल्प लेके प्रूव किया कि ये डिफरेंशिएबल एनीवेयर नहीं है, बस एक जीरो पॉइंट पे है। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन चेक करेंगे। होपफुली अगर आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी आ गई, तो एनालिटिसिटी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।